खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू शहर से लगी हुई ग्राम पंचायत न्यू गुराडिया भकोरा रोड पर स्थित केसर पार्क कॉलोनी के निवासियों द्वारा कॉलोनाइजर के खिलाफ एसडीएम को कई बार आवेदन देने के बाद मंगलवार की जनसुनवाई में कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। केसर पार्क कॉलोनी के निवासी जफर अहमद ने बताया कि मेरे द्वारा 28 दिसंबर 2016 को भूमि सर्वे नंबर 34/3 पटवारी हल्का नंबर 23 में से प्लॉट की रजिस्ट्री कॉलोनाइजर घनश्याम पाटीदार द्वारा की गई थी। रजिस्टर्ड के कॉलम नंबर 9 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का ऋण दान चार्ज इकरार मेंटेनेंस और किसी प्रकार का बैंक का बंधन मुक्त है, लेकिन मेरे द्वारा मकान के लिए बैंक में आवेदन करने पर बैंक द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर पहले से ही बैंक का ऋण है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एसडीएम महू को की गई थी, जहां से कॉलोनाइजर घनश्याम पिता बद्रीलाल पाटीदार निवासी को दरिया के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। सर पार्क के पास कमल पाटीदार की कॉलोनी है, उसमें मैंने 28/12/2016 को प्लाट लिया था, जो रजिस्ट्री है उसी तारीख की, जो रजिस्ट्री मेरी इंदौर कलेक्ट्रेट में हुई थी जाकर। यहाँ क्यों नहीं हुई वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले मैं महू तहसील के अंदर ही आया था, लेकिन यहाँ से कुछ शाम में मुझे भेज करके वहाँ करवाया था, रजिस्ट्री हो गई। बाद में हमें कोई उसको बनाने की आवश्यकता था नहीं, इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं, वरना मुझे पैसे की ज़रूरत थी उस वक्त। बाद में फिर इरादा हुआ उसको बनाने का, जब लोन की अप्लाई किया तो मालूम ये हुआ कि इसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। लोन की जब हमें खबर मिली तो हमने कमल पाटीदार साहब को उनके भाई बंधुओं के बारे में खबर भिजवाई कि लोन क्लियर करें, इसलिए कि एनओसी मांग रहे हैं बैंक वाले, एनओसी आएगी क्लियर होकर तो आपको लोन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि लोन पास माफ़ होने वाला है, सरकारी तौर पर गालिबन 2 लाख की अखिल स्कीम जो चली थी। किसने बोला ये? ये कमल पाटीदार की तरफ से जवाब मिला, तो वो हम सामने भी गए थे, रूबरू होकर के बात की है, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझसे भी कहा था इस तरह का मसला है, वो हो जाएगा, उसके बाद क्लियर करा देंगे उसको। ये सिलसिला कम से कम 1.5 साल से चलता रहा, लेकिन उन्होंने वो लोन उनका माफ़ हुआ नहीं हुआ आज तक मेरा काम नहीं हो सका। मैं भाग दौड़ करता रहा, एक जगह अप्लाई किया उससे नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह किया, दूसरे तीसरी जगह किया, तीनों जगह से एनओसी के ऊपर ही मसला मेरा लोन का अटक गया, नहीं हो पाया। और उस चक्कर में फिर क्या कहते हैं कि मैं इनको दोबारा खबर भेजा तो इन्होंने मुझे माकूल कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इनको अप्लाई किया, तो मतलब इतला की कि मैं तहसील में जाकर के आप कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो उसके बाद भी इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी 3/12/2019 को मैंने जा करके फिर तहसीलदार साहब के यहाँ जन सुनवाई के अंदर आवेदन लगाया, उसकी कार्रवाई चली। और एक हफ्ता पिछले हफ्ते भी मैं आया हुआ था, उस दिन भी तहसीलदार साहब के सामने मुझे बुलाया गया था, उन्होंने मुझसे पूछताछ किया, तो जो मेरी समस्या थी जैसे नामांतरण नहीं हो रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, और मेरे अलावा वहाँ पे दूसरे लोग जो बनाए हुए हैं उसमें कुछ हैं जिनको मकान बन गया है लेकिन उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रही, और आज भी मैं उसी सिलसिले में आया था, आया इस बिना पर कि कल मेरे पास कमल पाटीदार का फ़ोन आया हुआ, आगे होकर फोन उन्होंने खुद लगाया था, तो मुझसे उन्होंने ये इशारा किया कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो उससे कुछ होना नहीं है, मैं जो काम किया हूँ लीगल हूँ अनलीगल नहीं हूँ, इस तरीके से बात उन्होंने किया। मैंने उनको कहा कि आप जो भी हो ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री मेरी जो ही आपके फादर ने किया है, इसलिए इससे संबंध में जो भी शिकवा शिकायत होगी मैं आपसे करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि आज अधिकारी ने आपको क्या बोला? आज हमें ये कहा गया कि आप एक काम करो, चार्ज FRI थाने में जाकर के दर्ज करवाओ, इसलिए कि रजिस्ट्री की जो फोटो कापी है गालिबन 9 नंबर पेज पे, उन्होंने रजिस्ट्री के अंदर मुझे ये दर्शाया जिसकी इतला मुझे नहीं थी, ना उन्होंने इशारा किया और मैं भी इतफाक से उसको नहीं देख पाया था, उस पर पूरा लिख रखा है कि इसके ऊपर कोई बाकी बकाया नहीं है, लेकिन जब मैंने रात उसके बातचीत करने के बाद रजिस्ट्री खोलिया उसको पढ़ा तो उसमें देखा कि उसमें पूरा दर्शाया हुआ है कि इसके ऊपर कोई लोन बाकी बकाया नहीं है,
जबकि बैंक के अंदर बाजाब्ता लोन आज भी बाकी है, जिसका स्वीकार उन्होंने रात फोन के अंदर बात में भी किया और ये बोला कि लोन का मसला है तो लोन तो मैं आज ना आ चुकाऊंगा ना कल चुकाऊंगा। तो अधिकारी ने आपको क्या एफआईआर का आज मुझे फिर मैं आकर के बोला उनसे, कल फोन आया हुआ था इस तरीके से उन्होंने बात किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो 420 का उनके ऊपर धोखाधड़ी का एफआईआर जो है वो इसमें थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवा। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।